नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ब्रजेश और शुरुआत सीबीएसई पेपर लीक मामले से। इसमें गिरफ्तार तीन आरोपियों को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इन तीनों को आज दिल्ली के बवाना इलाके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में दो टीचर हैं जबकि एक कोचिंग सेंटर चलाने वाला है। तीनों आरोपियों पर 12वीं के इकोनॉमिक्स का पेपर लीक करने का आरोप है। आरोपी टीचर ऋषभ और रोहित की ड्यूटी बवाना के एमके कॉन्वेंट स्कूल में लगी थी। इकोनॉमिक्स का पेपर शुरू होने से करीब आधा घंटा पहले दोनों टीचर ने पेपर की फोटो खींचकर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले तौकीर को भेजी। बवाना के स्कूल में पेपर 9:45 बजे शुरू होना था, उससे आधे घंटे पहले 9:15 बजे ऋषभ और रोहित ने पेपर लीक कर दिया। अर्ली मॉर्निंग में आज तीन आदमी गिरफ्तार किए गए हैं। एक उसमें से तौकीर है जो एक कोचिंग सेंटर में ट्यूटर का काम करता है, ट्यूटर है, और दो टीचर्स हैं जो एक स्कूल में पढ़ाते हैं। और तौकीर जिस बच्चे को हमने बात की थी उससे ये पता चला था कि 9:45 के करीब ये जो पेपर है वो उसको खोलने का समय होता है, और उससे कुछ समय पहले, करीब आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले ये पेपर खोला गया इकोनॉमिक्स का। और खोलने के बाद इमीडिएटली उसका जो प्रिंटेड मटेरियल है उसको व्हाट्सएप किया गया बच्चों को, उन्होंने उसको कुछ लोगों को और आगे कर दिया। और इसको उन्होंने जो भेजा था वो एक तौकीर को भेजा। तौकीर जो कोचिंग सेंटर में ट्यूटर है उसने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया था। तो जो चेन बनी है वो इस तरीके की बनी है कि जो बेनिफिशियरी है उसको तौकीर ने भेजा, तौकीर को रोहित जो टीचर है उसने भेजा, और ये उसके ऋषभ जो दूसरा टीचर है उसके कहने पे भेजा है। तो इस तरीके की सीक्वेंस है। इन लोगों को, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। दो दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड इनका मिला है। इनको और इनसे पूछताछ होगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि इस क्या कंप्लीट नेटवर्क है और कितने लोग इसके बेनिफिशरीज हैं और किस तरीके से ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन हुआ है। 12वीं के इकोनॉमिक्स का पेपर दिल्ली के एमके कॉन्वेंट स्कूल से छात्रों तक भेजा जाता था और ये काम करते थे ऋषभ और रोहित। पेपर लीक पर बवाना के उसी स्कूल से हमारे संवाददाता कविता शर्मा की रिपोर्ट देखते हैं। पकड़े गए हैं सीबीएसई छात्रों के गुनहगार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सीबीएसई 12वीं के इकोनॉमिक्स पेपर लीक मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है। उनकी गिरफ्तारी हुई है और जांच में सामने ये आया है कि ये जो मदर खजानी कॉन्वेंट स्कूल है इसके दो टीचर रोहित और ऋषभ, इन्होंने एग्जाम शुरू होने के आधे घंटे पहले पेपर की फोटो क्लिक की और उसे अपने एक दोस्त, अपने एक मित्र तौकीर, जो कि यहीं के पास के इजी क्लासेस में ट्यूटर है, उन्हें फॉरवर्ड कर दी। और इस तरीके से सीबीएसई इकोनॉमिक्स 12वीं क्लास का जो पेपर है उसे लीक किया गया। ये दोनों ही टीचर उस वक्त यानी 26 मार्च के दिन जब 12वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर था यहाँ पर सेंटर था और यहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, बच्चों को देने से आधे घंटे पहले उसकी फोटो ली गई और उसे उन्होंने सर्कुलेट कर दिया गया। अभी भी सीबीएसई 10वीं का जो गणित का पेपर है वो किस तरीके से लीक हुआ इसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। लेकिन जो छात्र हैं, इतने सारे लाखों की तादाद में जो छात्र हैं जिन्हें दोबारा से अब इकोनॉमिक्स का पेपर देना पड़ रहा है, उनके जो असली गुनहगार हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। जांच आगे बढ़ेगी, कई सारी कड़ियां निकलकर सामने आएंगी। दिल्ली के बवाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। दरअसल ये इलाका मुंगेशपुर है जहां पर ये मदर खजानी कॉन्वेंट स्कूल है और यहीं के दो टीचर इस वक्त दिल्ली क्राइम ब्रांच की हिरासत में, जिन्होंने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। एक पेपर जो है उन्होंने फोटो क्लिक करके लीक किया आधे घंटे पहले, लेकिन इससे लाखों छात्रों को दोबारा री एग्जाम और न जाने कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जांच आगे बढ़ेगी, कड़ियां जुड़ती जाएंगी और इस मामले में जो 10वीं का पेपर कैसे लीक हुआ उस मामले में भी पुलिस जो है अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल छात्रों के जो गुनहगार है 12वीं छात्रों के वो पुलिस की गिरफ्त में है। कविता शर्मा, जी मीडिया, बवाना। सीबीएसई पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तौकीर इजी कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता था। तौकीर और ऋषभ दोनों एक दूसरे को जानते थे। इजी कोचिंग क्लासेस के मालिक से बातचीत की हमारी संवाददाता कविता शर्मा ने।
सीबीएसई पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने आज 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें इजी क्लासेज जो कि बवाना में चलती है उसके एक टीचर हैं तौकीर, उन्हें हिरासत में लिया है। उनके व्हाट्सएप में लीक पेपर पहुंचा था, जिसके बाद वो उन्होंने अपने कोचिंग के बच्चों के साथ सर्कुलेट किया है और कई जगहों पर सर्कुलेट किया है और उन तक ही पेपर पहुंचाया था 2 टीचर ने, जिनका नाम ऋषभ और रोहित है। और हालांकि अब इस वक्त हमारे साथ इजी क्लासेस के ओनर हैं, जो ये बता रहे हैं कि ऋषभ और तौकीर में पहले से ही जान पहचान थी। सीबीएसई इकोनॉमिक्स पेपर भी लीक हुआ है और सीबीएसई का 10वीं का मैथ्स का पेपर भी, और इनमें से एक टीचर मैथ्स का टीचर है। कैसे ये लिंक जो है आपस में जुड़े हुए हैं और अब इस पूरे मामले पर, इस पेपर लीक मामले पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है, आज दिल्ली में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सर आपसे जानना चाहूंगी विकास जी कि 2006 से इजी क्लासेस जो है आप चला रहे हैं, तौकीर आपके यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, कितने वक्त से? तौकीर पिछले 2 साल से मेरे यहाँ 11th और 12th का मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और जो पेपर आपके यहाँ जो आउट की बात है वो 10th मैथमेटिक्स और 12th इकोनॉमिक्स का है। और इसलिए मैं रादर ये सुन के हैरान हूँ कि वो आदमी इकोनॉमिक्स में क्या इंटरेस्ट रखेगा, 10th के बच्चों से उसका कनेक्शन नहीं है तो क्या इंटरेस्ट रखेगा। लेकिन यदि उन्होंने किया है तो गलत किया है। एज ए पर्सन, जहां तक मैं कह सकता हूँ, ही इज ए वंडरफुल पर्सन। एज ए टीचर, ही इज ए वेरी गुड टीचर। ही वॉज लॉट ऑफ इन्वॉल्व विद स्टूडेंट्स एंड मटेरियल कि भाई अच्छा मैटर हमें बच्चों को देना, उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाना है। लेकिन यदि वो कहीं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व रहे तो गलत है। हालांकि एक अकेला टीचर इस काम को नहीं कर सकता है। इसमें कहीं ना कहीं जहां सीबीएसई से पेपर जाता है उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज में आता है, उसके बाद वो स्कूल्स में जाता है, स्कूल्स में भी रेस्पॉन्सिबल पीपल के सामने पेपर को खोला जाता है। कहीं ना कहीं इसमें ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व है, एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है। और उन सब पे कार्यवाही होनी चाहिए। शिक्षा वो चीज है जहां हम बच्चों को कुछ बना के आगे भेजना चाहते हैं।